मैं सेक्टोरल चर्निंग पर आऊंगा, एक बिल्कुल ये मेरा लास्ट क्वेश्चन के तौर पर होगा। मार्केट में आईटी को थोड़ी वेटेज और इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सर आप भी देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत उधर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ गई थी और कोविड के बाद जो उछाला आया था उससे करेक्शन सीधा आ रहा था। और चीज ऐसी थी, सिंपल सी कि जो एक सेफ्टी सेक्टर होता था आईटी, वो एक ग्रोथ सेक्टर में कोविड में बदल गया। फिर जब कोविड पीछे हट गई तो वापस तो सेफ्टी का जो एक वैल्यूएशन करेक्शन होता वो हो रहा था। सेकेंड है कि आईटी के अंदर ही आपको एआई, ये टेक, अब नैस्डैक वाले जो फॉक्स स्टॉक्स थे उनमें जो है कोर आईटी में थोड़ा ध्यान कम था। अब क्या हो रहा है कि अब देखिए कि एक तरफ आपको यूएस में एक रेट कट की बात आ रही है तो वो इक्विटीज के लिए पॉजिटिव है, और एफआईएस भी इस रेट कट के माहौल में, स्लोडाउन में, इमर्जिंग मार्केट में वो अपना पैसा निकाल रहे थे क्योंकि उस टाइम, अभी रेट कट के टाइम में सस्ते पैसे थे, वो ज्यादा वापस इमर्जिंग में आएंगे। अब ये फॉरेन से जो पैसा आता है ना उसमें खासकर पैसिव फंड्स का ज्यादा एलोकेशन होता है। अब क्या होता है कि पैसिव फंड ये नहीं देखती कि ये सेक्टर का आउटलुक क्या है, नहीं है, इंडेक्स में जो भी शामिल है उसमें उसको एलोकेट करना पड़ता है। तो आईटी एक सिग्निफिकेंट वेट लार्ज कैप इंडेक्स और लार्ज एंड मिड कैप वो इंडेक्स में होने के कारण एफआईएस की वापसी ऐसी एक माहौल में जहां रेट कट सामने दिख रहा है, डेफिनेटली आईटी को बाइंग आ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आईटी में रनअप शुरू हुई है, ये थोड़ा दिन के लिए चलेगा। मेरा आईटी में व्यू जो न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव पहले था, न्यूट्रल था, अब मेरा भी पॉजिटिव बन गया है आईटी में। और ऐसी माहौल में क्योंकि उधर वैल्यूएशन का इतना इंफ्रा डिफेंस वहां पे रनअप हुआ नहीं हुआ है तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है अक्यूमुलेशन के लिए। तो आईटी में मैं भी पॉजिटिव हूँ। अपने वेटरन है, आपको थोड़ा आइडिया होगा। मैं चेक कर रहा था कि डीएस की लॉन्ग होल्डिंग 30-31% के आसपास थी। पिछले दो चार दिनों में वो लॉन्ग होल्डिंग्स यानी कि मार्केट में जो डिप्लॉयमेंट है लॉन्ग साइड पे वो 2-4% बढ़ा है, तो ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू, नहीं तो 50% के अराउंड अराउंड चलता है। सर ये करेक्ट, डिप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है क्या मार्केट्स में फंड्स वालों को? कोई पैसा तो खूब आ रहा है, 24-25 हज़ार करोड़ रुपये आ रहा है। नहीं दो तो वही कर रहा हूँ ना, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट बुक, देखिए अर्निंग सीजन अभी खत्म हुआ है और वो एक न्यूट्रल सा था अर्निंग सीजन, यानी कई जगह पे लाइक पीएसयू के जगह पे बहुत अर्निंग्स की उतनी अच्छी नहीं रुझान थी जितना उम्मीद था, राइट। इंफ्रा पैक में बहुत रनअप हो गया, एनर्जी में बहुत रनअप हो गया। तो आने वाले दिन में ये बात देखते हुए मेरे ख्याल में फंड मैनेजर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके कैश रख रहे हैं ताकि आने वाले समय में जैसे ही उनको लगे कि एक अच्छा शेयर सस्ते में मिल रहे तो उसके लिए पैसा हाथ में रखे। तो मेरे ख्याल में ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मगर ये कोई ज्यादा लंबे तौर पर नहीं वेट एंड वॉच होगा, जल्दी रीडिप्लॉय हो जाएगा मेरे ख्याल।